शाहरुख खान की पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। इस एक्शन फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं। फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जबकि इसे प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म के गाने बेशर्म रंग को लेकर जहां विवाद चल रहा है, वहीं पठान IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज और शोज की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है। ये मौका काफी समय बाद देखने को मिला है जब साउथ के स्टार्स पर कोई बॉलीवुड एक्टर भारी पड़ा हो। IMDb की फिल्मों की ये लिस्ट टॉप पेज व्यू के आधार पर होती है। इस मामले में शाहरुख खान की पठान ने अभी तक बाजी मारी हुई है। ये टॉप 10 की इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इस तरह इस बार पहले नंबर पर बॉलीवुड का कब्जा है। दूसरे नंबर पर प्रभास की सालार है, जबकि तीसरे नंबर पर शाहरुख की फिल्म जवान है। चौथे नंबर पर भी शाहरुख की ही फिल्म डंकी है। वहीं पांचवें नंबर पर कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 है। IMDb की इस लिस्ट में छठे नंबर पर PS2 है, जबकि सातवें नंबर पर प्रभास की आदि पुरुष है। वहीं आठवें नंबर पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 है। इसके अलावा नौवें नंबर पर सलमान की टाइगर 3 है। साथ ही दसवें नंबर पर एक अनटाइटल्ड फिल्म है। कहना गलत नहीं होगा कि भले ही पठान का जमकर विरोध हो रहा हो, लेकिन शाहरुख की पठान ने साउथ की फिल्मों को मात दे दी। रिलीज से पहले ही पठान ने अपना दम दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने 100 करोड़ रुपए रिलीज से पहले ही इसके OTT राइट्स बेचकर कमा लिए हैं। हालांकि फिल्म का जमकर विरोध भी हो रहा है। बेशर्म रंग गाने पर जमकर विवाद भी हो रहा है। शाहरुख और दीपिका पर फिल्म के जरिए अश्लीलता फैलाने के आरोप लग रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि बेशर्म रंग गाने में भगवा रंग का अपमान किया गया है। कई लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। शाहरुख खान पठान से 4 साल बाद थिएटर्स पर वापसी कर रहे हैं। फैंस उन्हें बिग स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि रिलीज के बाद शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान कॉन्ट्रोवर्सी के बीच बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हों, उनसे कहूँगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। वैसे भी आदरणीय जो विषय उठाए हैं, और दीपिका पादुकोण पहले भी JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। इसमें सुधार किया जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पर, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाए या नहीं करने दिया।